पिछले कुछ हफ्तों से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हो रही कमी का सिलसिला अब खत्म हो चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट ने आंकड़े जारी कर दिए हैं और इन आंकड़ों के हिसाब से जो विदेशी मुद्रा भंडार लंबे समय से गिरावट का सामना कर रहा था उसमें अब बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 सप्ताह में पहली बार बढ़ा है और 3 मार्च को समाप्त सप्ताह के अंत में ये 562.40 अरब डॉलर रहा। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले सप्ताह के अंत में भंडार में 1.46 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी। वहीं इससे पहले पिछले 4 हफ्ते तक लगातार कुल 15.8 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली थी। 24 फरवरी को समाप्त सप्ताह में भंडार में 560.94 अरब डॉलर था। वहीं इससे पहले 10 फरवरी को जो सप्ताह खत्म हुआ था उसमें विदेशी मुद्रा भंडार 566.94 अरब डॉलर रही थी। वहीं 3 फरवरी को खत्म हुए सप्ताह में यह आंकड़ा 575.27 अरब डॉलर पर रहा था। उस हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में 1.49 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखा जाए तो 3 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का फॉरेन करेंसी एसेट भी बढ़ा जिसके बाद इसमें 1.181 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कुल विदेशी मुद्रा भंडार में FCA एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। डॉलर में अभिव्यक्त किए जाने वाले फॉरेन करेंसी एसेट में यूरो पाउंड और येन जैसे गैर अमेरिकी मुद्राओं को भी शामिल किया जाता है। इस अवधि के दौरान देश के गोल्ड रिजर्व के मूल्य में भी बढ़ोतरी हुई है। बीते 3 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान यह आंकड़ा 28.2 करोड़ डॉलर से बढ़कर 42.033 अरब डॉलर पर चला गया। वहीं अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो बीते कुछ सप्ताह में वहां का भी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। इस साल जनवरी में वहां कुल विदेशी मुद्रा भंडार 3.11 अरब डॉलर था। हालांकि 3 फरवरी को समाप्त सप्ताह में वहां का विदेशी मुद्रा भंडार 17 करोड़ डॉलर से घटकर 2.91 अरब डॉलर रह गया था, लेकिन अब 3 मार्च को यह बढ़कर 4.301 अरब डॉलर तक चला गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार किसी बच्चे की गुल्लक जितना ही बचा है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी उसके लिए बहुत मानी जाएगी क्योंकि जिस हालात से वहां के लोग गुजर रहे हैं विदेशी मुद्रा भंडार का घटना मतलब बर्बादी। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।